कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट इंटरनेट? नो, राइट? इंटरनेट एक नेटवर्क है जहाँ पर कई सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ दिया गया है। फिलहाल हम इंटरनेट को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम जानेंगे कि इंटरनेट कैसे हमारी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया, कैसे हमने इसे टॉप प्रायोरिटी पर रख दिया और इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है। सो गाइज, मेरा नाम है निर्मल और आप देख रहे हैं हाईटेक निर्मल यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं रोजाना कुछ इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए, और अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी हमारी वीडियोस की। इंटरनेट के बारे में जानने से पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि कंप्यूटर की शुरुआत कैसे हुई। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आई बटन पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 1950-60 का दौर था जब कंप्यूटर युग शुरू होने की चरम सीमा पर था। उसी वक्त की बात है जब इंटरनेट भी चर्चा में आने लगा था। बात है 1960 की, जब पॉल बैरन, एक ज्यूइश अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट जिन्होंने कंप्यूटर नेटवर्क्स में बड़ा योगदान दिया है, उन्होंने पैकेट स्विचिंग में रिसर्च स्टार्ट कर दिया था। आपके मन में सवाल आया होगा कि ये पैकेट स्विचिंग क्या है, तो अगर शॉर्ट में बताऊं तो पैकेट स्विचिंग इज द प्राइमरी बेसिस फॉर डेटा कम्युनिकेशंस वर्ल्ड वाइड। मतलब पैकेट स्विचिंग में डेटा पैकेट्स को डिजिटल नेटवर्क्स में भेजा जाता है। आई गेस इतना इनफ है, अब पैकेट स्विचिंग के ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। पॉल बैरन के बाद कई सारे पैकेट स्विच नेटवर्क्स लाइक डोनाल्ड डेविस का NPL नेटवर्क, ARPANET, TIMENET, द मेरिट नेटवर्क, TELINET और सिकलेट्स जैसे कई सारे नेटवर्क्स का विकास हुआ 1960 और 1970 में। ARPANET प्रोजेक्ट की वजह से इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई, जिससे कई सारे नेटवर्क्स को आपस में जोड़ा जा सकता था। 29 अक्टूबर 1969 इंटरनेट युग में एक बड़ी क्रांति का दिन था। उस दिन ARPANET डेवलपमेंट की बड़ी शुरुआत हुई थी, जब दो नेटवर्क नोड्स को आपस में जोड़ा गया था। और इसके बाद 1971 में पहली बार 15 साइट्स को एक साथ ARPANET में कनेक्ट किया गया था, जो कि एक बड़ा कदम था इंटरनेट रेवोल्यूशन की ओर। ये सारी घटनाएं 1972 की एक फिल्म कंप्यूटर नेटवर्क्स में डॉक्यूमेंट की गई थी। शुरुआती दौर में ARPANET के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बहुत मुश्किल थे, क्योंकि यूरोपियन साइंटिस्ट X25 नेटवर्क के डेवलपमेंट में लगे हुए थे। लेकिन यूरोप में फिर कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे नेटवर्किंग के फील्ड में और रिसर्चेस चलते रहे। पहली बार दिसंबर 1974 में RFC 675 ने इंटरनेट इस शब्द का इस्तेमाल किया इंटरनेटवर्किंग के लिए, और फिर कई सारी RFCs ने इस वर्ड को यूज किया। 1981 में ARPANET की एक्सेस को एक्सपैंड किया गया, जब NSF यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन ने CSNET यानी कि कंप्यूटर साइंस नेटवर्क को फंड किया। 1982 में इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट यानी TCP/IP को स्टैंडर्डाइज किया गया, जिससे ग्लोबल लेवल पर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स को बढ़ावा मिला। 1986 में TCP/IP की एक्सेस को फिर से बढ़ाया गया, जब NSFNet ने रिसर्चर्स को सुपर कंप्यूटर साइट्स की एक्सेस दे दी एट स्पीड ऑफ 56 kbps, फिर बाद में 1.5 mbps और लास्ट में 45 mbps तक की स्पीड पर। ये वो दौर था जब सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के पास ही इंटरनेट की एक्सेस थी। कमर्शियल ISPs की शुरुआत 1990 में हुई। 80s के आखिरी सालों और 90s के शुरुआती सालों में US के बाहर यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया में इंटरनेट बहुत तेजी के साथ फैल चुका था। 1995 तक यूनाइटेड स्टेट्स में इंटरनेट पूरी तरह कमर्शियलाइज हो चुका था। दिसंबर 1988 में डेडिकेटेड ट्रांस एटलांटिक कम्युनिकेशन की शुरुआत हुई थी, जब NSFNet और यूरोपियन नेटवर्क्स के बीच एक लो स्पीड सैटेलाइट रिले की मदद से प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और स्टॉकहोल्म स्वीडन को कनेक्ट किया गया था, जबकि UUCP जैसे प्रोटोकॉल इससे पहले ही ग्लोबल लेवल पर अपनी पहुंच बना चुके थे। इंटरनेट का पब्लिक कमर्शियल यूज 1989 के मध्य में शुरू हुआ, जब MCI मेल और CompuServe मेल को कनेक्ट किया गया, जो कि 500,000 यूजर्स को कनेक्ट करने की क्षमता रखता था। इसके कुछ महीने बाद ही 1 जनवरी 1990 को BSINet ने एक अल्टरनेट लॉन्च किया, जो कि आज के टाइम का कमर्शियल इंटरनेट बना। मार्च 1990 में NSFNet और यूरोपियन नेटवर्क्स के बीच पहला हाई स्पीड लिंक बना विद द स्पीड ऑफ 1.5 mbps, जो कि सैटेलाइट से फास्ट था। इसके 6 महीने बाद टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब के लिखने की शुरुआत की। क्रिसमस 1990 तक बर्नर्स-ली ने एक वर्किंग वेब के लिए सारे टूल्स तैयार कर लिए थे, लाइक द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML, पहला वेब ब्राउजर जो कि
HTML एडिटर भी था, पहला HTTP सर्वर सॉफ्टवेयर, पहला वेब सर्वर और पहली बार कुछ वेब पेजेस जो कि इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देते थे। 1991 में कमर्शियल इंटरनेट एक्सचेंज की स्थापना हुई जिसने PSI नेट को बाकी कमर्शियल नेटवर्क्स जैसे सर्फनेट और अल्टरनेट से कम्युनिकेट करने की परमिशन दी। 1995 के बाद से इंटरनेट ने हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया है। ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, टेलीफोनी यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल या VOIP, वीडियो कॉल्स और वर्ल्ड वाइड वेब जैसे डेवलपमेंट्स इंटरनेट की दुनिया के पिलर्स हैं। वर्ल्ड वाइड वेब के डिस्कशन फोरम्स, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इंटरनेट के वरदान हैं। और फाइबर ऑप्टिक्स की मदद से तो इंटरनेट ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ती ही जा रही है। 2016 में वर्ल्ड पॉपुलेशन के कुल 47% लोग इंटरनेट यूज करते थे और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में 40%, लेकिन जियो के इंट्रोडक्शन के बाद लगभग 70-80% लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं इंडिया में। इंटरनेट आज अपनी ग्रोथ की चरम सीमा पर ग्रो कर रहा है। कहा जाता है कि हर साल इंटरनेट पर ट्रैफिक 100% रेट से बढ़ता जा रहा है, जबकि इसका अनुमान 20-50% तक बढ़ने का ही लगाया गया था। इंटरनेट पर एक्चुअली किसी गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं है, जिससे ग्रोथ ऑर्गेनिक तरीके से होती है। 31 मार्च 2011 को वर्ल्ड वाइड इंटरनेट यूजर्स का नंबर 2.095 बिलियन बताया गया था, यानी कि 30.2% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो कुछ इस तरह से इंटरनेट ग्रो हुआ और आज हमारे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है। We cannot imagine our life without internet. Can you? If you can, just do let me know in the comments. और यहाँ पर ये वीडियो होता है खत्म। अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो I request you कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, because whether you accept it or not, but you like this video, so hit the like button. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए कुछ इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। Bye bye. See you next time.